मैं हूँ आपके साथ पूजा। दिल्ली में महिलाओं पर होते वारदात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक सिर्फ उम्र बदलती जा रही है, लेकिन दिल्ली की बेटियां बार बार किसी न किसी की दहशत का शिकार हो रही हैं। इस बार एक ऐसा ही मामला सामने आया है राबिया सैफी के साथ। 21 साल की बच्ची के साथ दिल्ली में वारदात होती है। पहले उसे किडनैप किया जाता है, कथित तौर पे बताया जा रहा है कि पहले उसका अपहरण होता है, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद बड़ी ही बेरहमी के साथ, जितना आप सोच भी नहीं सकते, शायद उससे भी कहीं ज़्यादा बेरहमी के साथ उसे मार दिया जाता है। और अब तक 10 दिन हो चुके हैं इस पूरे मामले को, और इसके बाद अब तक पुलिस के हाथ इस मामले में कुछ भी नहीं लगा है। माँ बाप कह रहे हैं, उसके परिजनों का कहना है कि कार्रवाई ढीली है, वो कार्रवाई की, सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं पुलिस से। रही बात प्रशासन की, तो हर बार की तरह इस बार भी देश की जो सत्ता है, मोदी सरकार, चाहे दिल्ली में केजरीवाल सरकार, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस लगवाती हैं बसों में, और उन्हीं सेल्फ डिफेंस में काम करती थी राबिया सैफी, और उसके साथ इस तरह की वारदात होती है, तो ज़रा सोचिए ऐसे में दिल्ली की महिलाएं, जिनकी सुरक्षा के लिए वो सुरक्षाकर्मी तैनात करते हैं, वो खुद को कितनी सुरक्षित महसूस करेंगी। जब दिल्ली में सुरक्षाकर्मी के तौर पर काम कर रही राबिया सुरक्षित नहीं रह पाई। और रही उसकी कार्रवाई की बात, उसकी मौत के बाद अब उस पर कार्रवाई के नाम पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने इस मामले में अब तक कोई बयान तक नहीं दिया है। केजरीवाल अपने फिलहाल छुट्टी मना रहे हैं, वो योगा के लिए, शांति के लिए 10 दिनों के लिए छुट्टी पर गए हैं, और यहाँ बेटियाँ अपनी जान को रो रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज दिल्ली कांग्रेस महिलाओं की एक टीम है जो कैंडल मार्च निकाल रही हैं और राबिया के लिए इंसाफ की मांग कर रही हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है, राबिया के लिए देश भर से कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, इंसाफ की मांग हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये खबरें आपको मिलेंगी, नेशनल मीडिया इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता। जिस तरीके से राबिया के साथ दुष्कर्म किया गया, उसकी हत्या कर दी गई बर्बरता के साथ, उसके बाद भी केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार अब तक उस पर क्या कहना? देखिए, मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार महिलाओं को लेकर पूरी तरह से उदासीन है। महिला सुरक्षा उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। आधी आबादी से वोट तो मांगे, लेकिन जब उनकी सुरक्षा की बात आई तो मुंह मोड़ दिया। इतना भी नहीं करते ये दोनों कि संवेदना ही प्रकट कर दे, क्योंकि न्याय की उम्मीद तो इस देश में बची नहीं। दोनों ही सरकारें महिलाओं को मुद्दा बना के, महिला सुरक्षा को मुद्दा बना के सत्ता में आई थी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो, महिला सुरक्षा इनका अहम मुद्दा था, और अब इनके राज में महिलाओं के साथ इस तरीके के अन्याय हो रहे हैं और वो खामोश बैठे। देखिए, ये सरकार सिर्फ चुनावी समझती है महिलाओं के मुद्दे को, और मैं ये बात कह देना चाहती हूँ कि ये दोनों एक ऐसी निकम्मी और नकारा सरकारें हैं जो बहन बेटियों की आबरू लूट रही है। दिल्ली में हर रोज औसतन 6 बच्चियों का रेप होता है दिल्ली में रोज। अगर ये भी इनका दिल नहीं धड़काता तो इनका दिल कोई नहीं दहला सकता। ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि पद पर बैठने के बावजूद भी ये किसी तरीके से महिलाओं की सुरक्षा पर बात तक नहीं कर पा रहे हैं। कोई विधानसभा सेशन नहीं बुलाया आज तक केजरीवाल ने। दिल्ली के कैबिनेट में महिला मंत्री नहीं है, इससे बड़ी असंवेदनशीलता क्या हो सकती है? बीजेपी की सरकार में, केंद्र की सरकार में तो महिला मंत्री भी है और वो फोटो भी खिंचवाती है एक साथ आके, महिला शक्ति भी दिखाती है, पर फायदा क्या? देखिए, भाजपा की महिला मंत्री वो सिर्फ दिल्ली हाट में जाके साड़ी खरीद सकती है और वो उस प्रदर्शनी का हिस्सा बन सकती है। उनके लिए हैंडलूम डे इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनके लिए मरती हुई बिलकती हुई बच्चियां इम्पोर्टेंट नहीं है। जब एक माँ बाप रेप के हाथ या किसी मर्डर के हाथ अपनी बच्ची को खो देते हैं, उसका दर्द इनको एहसास भी नहीं है। तो मामला, इस मामले में जिस तरीके से चीजें निकल के सामने आ रही हैं, एक आदमी आता है, वो आत्मसमर्पण कर देता है, कॉन्स्पिरेसी है? सिविल डिफेंस की बच्ची थी और सिविल डिफेंस में भर्तियां की गई, इसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। लड़कियों के साथ सिविल डिफेंस के जो सुपरवाइजर है वो शोषण कर रहे हैं, ये मैं इल्जाम लगा रही हूँ आपके माध्यम से। और ये बच्चियाँ क्योंकि नौकरी पर है तो बोल नहीं सकती है, तो इसकी सुरक्षा कैसे मुहैया कराई जाएगी कि जो सिविल डिफेंस में लड़कियाँ भर्ती की गई हैं उनकी भी सुरक्षा हो? सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। महिला सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सिविल डिफेंस की राबिया को न्याय दो, भ्रष्टाचार पे अपना मुंह खोलो, मुंह खोलो। किसी पीड़िता के साथ कुछ हो जाए तो कम से कम संवेदनाएं तो जा सकती हैं।
कानून व्यवस्था नहीं भी जाती, मैं कहती हूँ इतनी कानून व्यवस्था खराब हो गई है, आप यही रोते रहते हो कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, क्या आपके दो पैर नहीं है, क्या आप अपनी गाड़ी में बैठ के बच्चियों के परिवार से जाकर मिल भी नहीं सकते, दुख भी नहीं बांट सकते, उसके लिए तो किसी संविधान की जरूरत नहीं है। मैम अन्य मामलों में तो ये केंद्र सरकार पे बोल देते हैं कि उनके अंतर्गत आती है पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रशासन दिल्ली की, लेकिन यहाँ पे मामला सिविल डिफेंस का है जो कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, और सिविल डिफेंस की एक बच्ची के साथ इस तरह की निर्ममता की गई है और तब भी दिल्ली सरकार वैसे ही खामोश है जैसे अन्य मामलों में रहती है। देखिए केजरीवाल ने कहा था कि महिलाओं के लिए महिला मार्शल देंगे सुरक्षा के लिए, लेकिन महिला मार्शल की सुरक्षा के लिए क्या है, ये महिला कर्मी एक तरह से महिला मार्शल ही तो थी। मालूम पड़ता है कि सिविल डिफेंस की ये बच्ची अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को भी जानती थी, जो शोषण हो रहे हैं उसको जानती थी, इतनी लंबी बड़ी भर्तियां करी हैं। महिलाएं बता रही हैं क्योंकि नौकरी पे हैं तो सामने नहीं आ सकती हैं कि या तो आपको शोषण करा जा रहा है भर्ती के लिए या आपसे पैसा लिया जा रहा है। पहली बार देखा है कि ऐसी भर्तियाँ हो रही हैं जो पैसे देकर दिल्ली में हो रही है। हम सोचते थे यूपी बिहार में ही होता है, ये तो दिल्ली शहर में हो रहा है, सरेआम हो रहा है, और वही बच्चियों को भी आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे जिनको आपने सुरक्षा के लिए रखा है। सड़क पर ये तैनात हैं और व्यवस्था को संभालती हैं, अगर इनके साथ हत्या हो गई इनकी कौन आवाज सुनेगा? अगर अपनी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के साथ भी ये नहीं खड़े हैं तो ये किसी के साथ नहीं खड़े हैं। ऐसे घटिया और ऐसे निकम्मा मुख्यमंत्री मैंने कभी नहीं देखा है। जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है महिला उत्पीड़न, बच्चियों का उत्पीड़न, सिर्फ वहीं जाते हैं जहाँ पे चेक देना होता है ताकि फोटो आ जाए चैनल्स पर, मतलब जहाँ पे आर्थिक मदद नहीं मिलेगी, बाकियों को मदद की जरूरत नहीं है, गरीब परिवार है, कैसे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, घर बैठ जाएंगे थोड़े दिन बाद। उस कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए जो आर्थिक मदद चाहिए होती है क्या वो सरकार नहीं देती है? 15,000 से ज़्यादा मामले और उनमें दिल्ली के आंकड़े हैं कि 2,000 के तकरीबन लोगों परिवारों तक मुआवजा पहुँचा, क्या बाकियों को जरूरत नहीं थी? क्या उन्हीं को मुआवजा मिलेगा जिनका मुद्दा मीडिया उठाएगी? क्या उनके घर तक आर्थिक मदद नहीं पहुंचेगी जिनको जरूरत है लेकिन मीडिया उन तक नहीं पहुंच पाया? सिर्फ जहां पे महिमा मंडन होता है वहां पे तो चले जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री अपनी फोटो की बार आए तो सी जरा वोट मांगने, ऐसी जूता पकड़ के मारेंगी दिल्ली की महिलाएं। मैम और कितनी गुड़िया और कितनी राबिया ऐसी कुर्बान होंगी इन सरकारों को जगाने के लिए सत्ता पे जो बैठी है इस वक्त? ये तो सवाल ही मैं मानती हूँ कि मन दुख जाता है, इसलिए मन दुख जाता है कि औसतन 6 बच्चियों का रेप हो रहा है दिल्ली में रोज, अब भी नहीं जाग रहे, इनकी आत्मा मर चुकी है। लेकिन हमारी आत्मा नहीं मरी, हमारी सरकार नहीं, हमारे विधायक नहीं, हमारे सांसद नहीं, फिर भी खड़ी हैं, जितनी भी संख्या में खड़ी हैं, किसी और के लिए निकल तो रही हैं बिना जवाब। तो यही उम्मीद करते हैं हम कि शायद हमको देख के सरकार थोड़ा जाग जाए। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। राबिया हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा है। केजरीवाल जी आए थे उस समय आपको मालूम होगा निर्भया का हुआ था, निर्भया के साथ कांग्रेस के लोग भी साथ में खड़े थे, उसको पूरा इंसाफ दिलवाया और हमारी अध्यक्षा शीला दीक्षित जी ने जहाँ उनके माँ बाप ने कहा वहाँ उसको इलाज के लिए भेजा गया, ये एक न्याय की बात है। और हमारे राहुल गांधी जी ने उसके भाई को पायलट बनाया, ये एक एहसान नहीं किया, एक अपना धर्म निभाया उनके प्रति। और आज जो सरकार में बैठे हैं वो एक ट्वीट लिखते हुए भी उनको शर्म आती है कि उस बेटी के साथ क्या हुआ है। ये तो वो सरकार है जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लेके आई थी, तो वो किन से बचाएं? ये इन सरकारों से बचाओ जो सत्ता में बैठे हुए, चाहे केजरीवाल हो चाहे मोदी हो। अब इन्होंने यहाँ उन माँ बाप ने यह FIR लॉन्च करवाने के लिए बोला कि जी हरियाणा जाओ वहाँ हुआ है, हरियाणा गए कि जी दिल्ली जाओ दिल्ली हुआ, ये दोनों पागल बना रहे। ये पुलिस किसके हाथ में है? मोदी के हाथ में है। और जब केजरीवाल जी कहते थे शीला दीक्षित जी जब निर्भया वाला केस हुआ था, इतने मुख्यमंत्री हो इतनी लाचार नहीं होती मुख्यमंत्री, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, तुम लाचार नहीं हो तो तुम करके दिखाओ ना। आज बेटियों के लिए क्या किया है उन्होंने, उनके जो उन्होंने सेल्फ डिफेंस में लगा रखी है बेटी, उस बेटी वो किससे किस वो खुद जो जिन्होंने लगाया है जो सेल्फ डिफेंस देती हैं किसके लिए करें? वो खुद अपनी ही सेफ्टी नहीं कर पा रही, औरों की क्या सेफ्टी करेंगी? मैम ये दावे तो एक तरफ होते हैं कि किसकी सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित थीं, वो कहते हैं कांग्रेस की सरकार में महिलाओं पे ज़्यादा अत्याचार होते थे, हमारे आने के बाद
प्रशासन ज्यादा हमने सख्त की है महिलाओं के खिलाफ, लेकिन आज जिस प्रशासन की, जिस पुलिस की वो बात कर रहे हैं, वो व्यवस्था ऐसी है कि एफआईआर तक लॉज नहीं करते। शायद उनको ये नहीं पता कि जीरो एफआईआर नाम की चीज होती है, वो कहीं भी करवाई जा सकती है, बाद में उसे शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके तहत भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगी कि दोनों सरकारें ये जो है ये एक्चुअली मनमानी कर रही है। इन लोगों ने देखिए निर्भया के टाइम एक महिला थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, शी इज एन एडवोकेट, उन्होंने निर्भय के साथ निर्भय कांड में उनके जो माँ बाप हैं उनके साथ आखिर तक खड़ी रही और उनको न्याय दिलवाया। ये थी कांग्रेस की सरकार के टाइम की बात। और अब अगर वो हाथरस में उस बच्ची को न्याय दिलवाने के लिए खड़ी थी तो उसको डंडे मारे गए हैं उस एडवोकेट को। ये है आज की सरकार, ये फर्क है मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार में और एक कांग्रेस सरकार में। ये सिर्फ मनमानी करना जानती है, ये गुंगी बहरी सरकार है। जब इलेक्शन के टाइम बहुत बड़े बड़े वादे करेंगी कि हम महिला सुरक्षा देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर जैसे ही सत्ता में आ जाते हैं सारे वादे गुल हो जाते हैं इनके, इनको याद नहीं रहते सारे वादे। आज 13 साल की बच्ची के साथ हो रहा है, आज 21 साल की, आज 6 साल की बच्ची, ये कर क्या रहे हैं? सो रहे हैं? हम उनसे पूछना चाहते हैं, सो रहे हैं? अगर उनसे नहीं संभल रहा है तो प्लीज अपना रेजिग्नेशन दे दीजिए। मैम, आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी और इस तरह के कोई हादसे होते थे बेटियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, तो स्मृति ईरानी चूड़ियां भिजवा दिया करती थी प्रधानमंत्री को सीधे। तो चूड़ियां भिजवाती थी, तो अब उनको बोलो कि अपने प्रधानमंत्रियों को और जो सत्ता में बैठे हुए हैं इस वक्त उन सबको भी चूड़ियां भिजवाएं। हम तो खड़े थे ना, हमने तो डंडे नहीं लगाए उस एडवोकेट के, जिसने एंड तक भी उनके जो माता पिता हैं, निर्भय के जो माता पिता हैं, उनको न्याय दिलवाया। लेकिन हाथरस में जो बच्ची के साथ हुआ, उस बच्ची को जब न्याय दिलवाने के लिए वो एडवोकेट गई, उनको डंडे लगाए गए, उनसे पूछा जाए क्यों? वो एक न्याय तो मंगवा रही, न्याय तो करना चाह रही थी ना, और तो नहीं कुछ चाह रही थी। लेकिन महिलाओं के खिलाफ इस तरह की निष्क्रियता का भाव सरकार में, जो सत्ता में है, दोनों ही सरकारें, केंद्र सरकार राज्य सरकार, दोनों ही इस तरीके से आंख मुंह बंद करके बैठ जाती हैं हर बार ऐसी घटनाओं पे। ये देखा आप, छोटी सी यहाँ ले लो, अभी कुछ समय पहले ही एक महीना भी नहीं हुआ होगा, दिल्ली कैंट में क्या हुआ? हाँ। ऐसे ही सबसे ज्यादा हाँ नरेला में हुआ, दिल्ली कैंट में हुआ, अब यहाँ हुआ, उससे पहले हाथरस में हुआ। एक तो सबसे ज्यादा ये पता नहीं क्या इनको, जो नीचे तबके के लोग हैं उनको दबाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। क्या चाहते हैं ये सरकार में बैठे लोग, उनके साथ अन्याय क्यों करते हैं? अगर वहां पर वो जो दिल्ली कैंट में हुआ, अगर पानी आ रहा होता, ये केजरीवाल जी कहते ना फ्री पानी, अगर पानी आ रहा होता वो बेटी शमशान घाट में पानी लेने नहीं जाती, उसकी ये इतनी बुरे तरीके से हत्या ना होती जो उसके साथ हुआ। तो अब केजरीवाल उस टाइम मुंह पे टेप लगा के बैठा, एक उससे ट्वीट नहीं किया गया, एक सब नहीं बोला गया, उसके अंदर एक जवान नहीं निकली है? ये सत्ता में बैठे लोग ये कर रहे हैं, तो जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तो बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, जब सिविल डिफेंस की ये जो लड़की है राबिया, ये सिविल डिफेंस में है, जब उनके साथ ऐसा हो सकता है तो हमारी बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं, और क्या होगा हमारे बच्चों का? आज हमें डर लगता है जब हमारे बच्चे सड़क पे जाते कि भाई कल को क्या हो जाए क्या ना हो जाए। भाई ये सुरक्षा हमें मिल रही है, इतने सारे कांड होने के बाद भी दोनों सरकारें चुप्पी लगा के बैठी हुई है, कुछ नहीं एक्शन लिया है, कहाँ है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस? स्मृति ईरानी, वेयर इज शी? बुलाइए उन्हें। हम ये बोल रहे हैं स्मृति ईरानी कहाँ है, जो चूड़ियाँ 400 रुपए सिलेंडर हो गया था तो इतना हल्ला मचाती थी, कहाँ है वो? किरण बेदी कहाँ है, वेयर इज शी? मैम ये तो आप सांसद की बात कर लीजिए ना, नांगल गांव में जब इस तरह की घटना हुई थी 9 साल की बच्ची के साथ, वहाँ की सांसद है मीनाक्षी लेखी, वो वहाँ एक बार भी नहीं पहुँची। तो उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें मतलब अगर ट्वीट करने में शर्म आ रही है तो इस देश का क्या होने वाला है? आप सोचिए, अगर एक वर्दी में, यूनिफॉर्म में अगर बच्ची सुरक्षित नहीं है, कहाँ जाएं हम, किससे पूछें? दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिला, बड़ी खुशी से बड़े शान के साथ बोला गया, लेकिन अब उन 7 सीटों पर किसी भी क्षेत्र में किसी भी महिला के साथ कोई भी दुष्कर्म होता है तो उनके सातों के सातों सांसद ऐसे चुप्पी साध के बैठ जाते हैं जैसे वो इस क्षेत्र को जानते ही नहीं है। तो उन्हें शर्म आनी चाहिए इस बात पे, अगर मतलब ये हमारा दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य। शर्म आते आते तक कितनी बलि चढ़ेगी? और अब ये तो देखिए अल्लाह बेहतर जानता है, जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है, या तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों के लिए शर्म की बात है, चाहे वो केजरीवाल जी हैं चाहे वो मोदी जी हैं। मैं तो मोदी जी कहने में भी मुझे शर्म आती है,
वो इस लायक नहीं है कि उनको जी बोला जाए, यू नो। नहीं, मैं ये बोलती हूँ कि जब महिला होकर महिलाओं के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती तो मुझे नहीं लगता उनको उस पद पे बैठने की वो उस पद पे बैठने लायक है। उनको इमिजिएटली रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, वो है नहीं इस लायक कि वो अपने पद पे बैठे। अच्छा, ये देख लीजिए आपके पीछे, यहाँ अभी इन्होंने कैंडल मार्च शुरू भी किया है, तादाद भी बहुत थोड़ी सी है और पीछे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है ताकि अगर ये आगे जाना भी चाहे अपने इस कैंडल मार्च को लेके तो ये ना जा सके। इस तरीके की यहाँ पे पुलिस प्रशासन की तैयारियाँ हैं और न जाने ये तैयारियाँ कहाँ चली जाती हैं। जब देश की बेटियों पर कोई खतरा आता है वो इस तरह की किसी स्थिति में फंसती हैं जब उन्हें इनकी ज़रूरत होती है, और उसके बाद जब FIR कराने की बारी आती है तब भी पता नहीं ये पुलिस व्यवस्था कहाँ चली जाती है और इनकी सूझबूझ कहाँ खत्म हो जाती है कि ये अपने ही कुछ लीगल एक्शंस भूल जाते हैं कि इन्हें किस तरीके से काम करना है।